हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रीति की किचन #123 में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के सामने मैं एक ऐसी रेसिपी के साथ आई हूँ जो जिसमें ना तो पिज़्ज़ा बेस की ज़रूरत पड़ती है, ना ही पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत पड़ती है। बस एक ट्रिक आजमाने से इतनी बढ़िया सी ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाती है सिर्फ ग्लास में। जी हाँ, आज आप सभी के सामने मैं लेकर आई हूँ ग्लास पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, भरपूर टेस्ट से भरी होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ पुल भी देखने को मिलता है, जिसमें आप भी खुश रहेंगे और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ओवन, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने एक सस्ता जुगाड़ लगाया है कि मैंने पतीले के अंदर एक स्टैंड रख दिया। आप चाहे तो कटोरी उल्टी करके भी रख सकते हैं और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दिया ताकि जिसके ऊपर मैं ग्लास पिज़्ज़ा को रख सकूँ स्टीम होने के लिए। इसके बाद हम इसे ढककर छोड़ देंगे जब तक मैं दूसरी तरफ रॉ पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मैदे से बना ब्रेड। आप इसकी जगह तो आटे वाला ब्रेड भी ले सकते हैं, वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ढक्कन। यहाँ पर मैंने एक ढक्कन का इस्तेमाल किया है। आपको ऐसे ढक्कन का साइज़ लेना है जो कि आपके ग्लास में ईजिली फिट हो जाए। जिस ग्लास में भी आप पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, उस ग्लास में वो ढक्कन ईजिली फिट हो जाए, तभी आपके ब्रेड जो होंगे ग्लास में फिट हो सकेंगे। इस तरीके से मैंने क्या किया है कि ब्रेड में से मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के काट के निकाल लिए हैं। कुछ इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस काट लिए हैं। ये देखिए, परफेक्ट, हमें इसी तरीके के स्लाइसेस चाहिए। अब पिज़्ज़ा की जो सोल होती है वो होती है सब्जियां, यानी वेजीज। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रेड एंड ग्रीन शिमला मिर्च, अनियन और थोड़े से पनीर। क्योंकि मैं ये पिज़्ज़ा बिना पिज़्ज़ा बेस के बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 गिलास। अब इसी गिलास में हम बनाएंगे हमारा पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक ब्रेड का जो स्लाइस है वो मैंने अंदर गिलास के डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ पिज़्ज़ा सॉस। अरे आप तो कहेंगे इन्होंने तो कहा था कि पिज़्ज़ा सॉस नहीं डालनी है। अरे रुको रुको, एक सस्ता सा जुगाड़ बताती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी टमाटो केचप लेनी है और उसमें थोड़ा सा सेज़वान सॉस डाल देना है। बस आपका घर पर सस्ते जुगाड़ से पिज़्ज़ा सॉस बनकर हो जाएगा तैयार। इन दोनों ही चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा का फेविक्विक। जी हाँ, पिज़्ज़ा का फेविक्विक यानी कि चीज़। मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ डाला है ताकि जो सब्जियाँ हैं वो अच्छी तरीके से फिट हो जाए। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च और थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च। फिर अगेन मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी फेविक्विक यानी कि चीज़। अपने पिज़्ज़ा को थोड़ा सा महंगा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए हैं पनीर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा सस्ता जुगाड़ लगाया हुआ पिज़्ज़ा सॉस, यानी पहले मैं केचप डाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सेज़वान सॉस। उसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं अगेन डाल दूँगी ब्रेड। इसी तरीके से हमें अपने ग्लास पिज़्ज़ा की लेयर्स बना रही हैं। मैंने फिर लास्ट वाली लेयर के बाद डाल दिया बहुत सारा चीज़ ताकि एक अच्छा सा बढ़िया सा चीज़ पुल आ जाए। उसके बाद मैंने 2 ग्लास पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लिया और इसमें मैंने अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाई है, थोड़ा सा इसे डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करी है ताकि ये बहुत सुंदर लगे दिखने में। दूसरी तरफ हमारा ओवन भी अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुका होगा। अब मैं इसमें अपने डाल दूँगी दोनों क्यूट क्यूट से ग्लास पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए। बस ये गए मेरे दोनों पिज़्ज़ा और ये हो जाएंगे बेक अच्छे तरीके से। और
लगभग कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका ग्लास पिज़्ज़ा जो है बनकर हो जाएगा रेडी। हाथ में हो रही थी बहुत ही ज़्यादा खुजली और दिल ने कहा कि चलो देख ही लेते हैं। वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे से बेक हो गए हैं। मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने अच्छे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ जीरा काली मिर्च का पाउडर, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसमें नहीं डाले हैं। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना और बताना कि आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।